भारतीय आतंक सीमान्य ब्रह्मय टुकड़े जी के नेतृत्व में हम पूरे देश भर में सभी हिंदुओं को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं। संगठन के बैनर पे कोकम प्रांत में आज तक हजारों शाखाएं, जहां माननीय रवि जी के नेतृत्व में, माननीय राजाबाबू के नेतृत्व में, कल्पेश जी वराडकर के नेतृत्व में पूरे मुंबई में अभी तक हम चालू कर रहे हैं। मुंबई का कोई भी कस्बा, कोई भी गली और कोई भी बस्ती ऐसी नहीं है जहाँ राष्ट्रीय विक्रम दल की शाखा नहीं है। आज इस माननीय रवि जी और माननीय हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष, माननीय प्रांत के महामंत्री हमारे रवि जी वर्धमान के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय विक्रम दल की जहाँ एक नया नियुक्ति हो गई, तरुण जी उपरे एक युवा व्यापारी है, संगठन के प्रति उनकी आस्था देखकर हमने आज उनको सेंगुर विधानसभा का राष्ट्रीय विक्रम दल का उपाध्यक्ष करके दायित्व दिया है। दायित्व माने एक जिम्मेदारी है। आज अगर हमने दायित्व दिया है तो उस एरिया में हिंदुओं का संगठन सक्षम होना चाहिए। मैं तरुण जी को शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि दो महीने से हम आपके अंदर की आस्था देख रहे थे और उस आस्था को और आपकी कट्टरता को देख के आज आपको ये जिम्मेदारी दी हुई है। भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जम्मू के अलग अलग संप्रदाय में बटे हुए हिंदुओं को संगठित करने का काम आप करेंगे। जय श्री राम। सोमवार दिनांक 18/12/2023 को रवि कुमार बेनीवाल मुंबई कोंकण प्रांत मंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा माननीय गणमान्य उद्धव जी खराड़े अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कोंकण प्रांत महामंत्री, कोंकण प्रांत उपाध्यक्ष राजा भाऊ सोनटके जी के उपस्थिति में तरुण गुरुमुख रूपरेल जी की राष्ट्रीय बजरंग दल के चेंबूर विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई। देश में राष्ट्रीय बजरंग दल की शाखाओं का निर्माण व राष्ट्रीय बजरंग दल के विचार जन जन तक पहुंचाना व लोगों को राष्ट्रीय बजरंग दल से जोड़ने का कार्य बहुत जोरों से रवि कुमार बेनीवाल मुंबई कोंकण प्रांत मंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा मुंबई प्रांत में किया जा रहा है। यह नियुक्ति भी उसी का हिस्सा है।